हेलो व्हाट्सअप, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कर रहे हैं आप सभी दोस्तों। आज की वीडियो में यहाँ पे मैं रिव्यू प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे स्टॉर्म फाइबर का इंटरनेट जो मैंने लगाया है, इसके बारे में आपको ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ खोल के रखने वाला हूँ यहाँ पे इस वीडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये रिसेंटली इंस्टॉल करवाया है, तकरीबन रमज़ान में मैंने ये इंस्टॉल करवाया था। ये स्टॉर्म फाइबर का इंटरनेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मज़ीद। यहाँ पर 4 पोर्ट्स हैं, बैक साइड पर देख सकते हैं कि स्टॉर्म फाइबर जो है आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ये फाइबर ऑप्टिक्स पे काम करते हैं, तो फाइबर ऑप्टिक्स स्पीड वगैरह में अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको ज़्यादा इल्म होगा कि स्पीड वगैरह में काफ़ी हेल्प करता है फाइबर ऑप्टिक्स। और उसमें आपको अपलोडिंग और डाउनलोडिंग अप टू 100 Mbps मिल जाती है, और अच्छी खासी स्पीड है अपलोडिंग भी और डाउनलोडिंग भी, जो कि ये स्टॉर्म फाइबर वाले क्लेम कर रहे हैं कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस वाली रिव्यू में आपको सब बताने वाला हूँ। इसके साथ यहाँ पे मैंने ये एक्सटर्नल डिवाइस भी मैंने इसके साथ बाय की है, ये आपको HDTV बॉक्स है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं HDTV बॉक्स इज़ ओके फिटेड। आप ये देख सकते हैं पीछे भी ये वायर कनेक्ट होता है आपके स्टॉर्म फाइबर की डिवाइस पे, जो कि हुआवे की डिवाइस है। और यहाँ पे ये इसका जो HDMI के साथ है, ये डायरेक्ट आपके TV में कनेक्ट हो जाएगा, तो और पावर पोर्ट है, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी मेरा जो पुराना है डिजिटल, वो मैं इस्तेमाल कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि ये वाला पैकेज आपको इसके साथ मिलेगा, तो मैं बोला वाई नॉट। तो तारों से घिरा हुआ TV देखें, ये पुराना वाला मेरे नीचे लगा हुआ है और ऊपर वाला। अब मैं यहाँ पर आपको अपना स्टॉर्म फाइबर का जो ऑप्टिक्स केबल है, ये भी मैंने आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप भी देख सकते हैं, बस इसी तार के पैसे हैं भाई जान। और पीछे जो है वो PTCL का तार पड़ा हुआ है, कसम से उस पर कोई ठूक भी फेंके ना वो इंटरनेट बंद जाता है भाई, तो बाहर ही कहाँ सहन करेगा। मैं अच्छा अपने आपको स्टॉर्म फाइबर की यहाँ पर स्पीड टेस्ट करा रहे दिखा देता हूँ। हम जो नेट है वो अपना PTCL से कन्वर्ट करके वहाँ पर यहाँ पे स्टॉर्म फाइबर कनेक्ट कर दिया हमने, एज़ यू कैन सी इट। सो हम यहाँ पे स्पीड टेस्ट खुल जाए भाई जान, खुल जाए सिम। अच्छा मैं ये आपको बताता चलूँगा, मेरा जो बाई डाई पैकेज जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि मुझे डील में मिल गया था, अच्छी डील में मिल गया था, तो 10 Mbps का ये पैकेज है, जो कि अपलोडिंग डाउनलोडिंग दोनों ये प्रोवाइड करता है, जहाँ तक के स्टॉर्म फाइबर क्लेम करती है। और आपको PTCL का पता है भाई, यानी कि हर हो गई 8 MB, यानी कि 8 MB के पैकेज पे आपको यहाँ पर 1 Mbps स्पीड अपलोडिंग मिलती है। तो कंटेंट क्रिएटर के लिए तो भाई जान आपको पता है ये दर्द जो है ना बहुत PTCL देता है, अच्छी अच्छों की नानी याद दिला देती है PTCL यार भाई, टॉप अस्तकफार भाई। इससे अच्छा तो मैंने भाई ये स्टॉर्म फाइबर देखें, PTCL से जो भी आता है ना कन्वर्जन, या तो वो फिर लोकली भी जाएगा या तो फिर वो स्टॉर्म फाइबर ट्राई करेगा, ये है। बाकी फिर अगर आप कराची में, तो स्टॉर्म फाइबर आपने सोचा तो होगा लेने का, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर रिव्यू बना के दे दिया। इसलिए मैं ये पास में रख रहा हूँ डिवाइस, ताकि कोई भी गिलो शबा ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई जान डाउनलोडिंग जो है 10.0 बिल्कुल एग्जैक्ट आई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर दूर यहाँ पर कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है बीच में, और अपलोडिंग जो है 10.3 है, तो अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल सही है पैकेज के हिसाब से अकॉर्डिंगली तो सही है। तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि ये PTCL वाले जो मजाक है ना वो नहीं कर रहे हैं, PTCL वाले आपको यहाँ पर बोलते हैं कि 8 Mbps हम आपको पूरा देंगे, मिलता कितना आपको भी पता है यार, 60 Mbps भी आ जाए ना तो ईद समझी जाती है, 6.5 तक ये वॉट का वॉट है अपलोडिंग कटो भाई, समझो अपलोडिंग तो है ही नहीं ना, मतलब PTCL अगर आप यूज़ करते हो तो समझो अपलोडिंग नहीं है, डाउनलोडिंग ही है सिर्फ, सही है ना। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हो कि डाउनलोडिंग जो है 10.2 आई है सेकंड टाइम, और सर्वर भी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रैंडमली लगाया हुआ है, और यहाँ पे डाउन अपलोडिंग जो है वो भी 10.3 आई है, तो अपलोडिंग अबव द पैकेज ही आती है डिपेंडिंग ऑन योर ऑब्स्टिकल्स, अगर कोई सामने तो नहीं आ रहे। ये हमारी PTCL की आ गई जो सालों साल से चल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर तो ज़्यादा इतना गुस्सा आता है भाई, ये थर्ड टाइम मैंने लगवाई है, एक तो उस पर भी पानी मारो ये भी ख़राब हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई जान ये सिग्नल, अब ये कोई बेकार डिवाइस हो गई मेरी, इसको तो मैं बस अब ये देखो ये ऐसे खेलता हूँ मैं, तो इसको तो ज़्यादा तोड़ के फेंक दूँ भाई, जला दूँगा, क्योंकि भाई जान ये पैसा भी खा रही है और प्रोवाइड कुछ नहीं करती है, लेकिन इसने भी वही साथ दिया है। बस ये PTCL का बस ये इसका ये फ़ायदा है कि आप ऐसे ये कनेक्ट होता रहा टी की बनस्बत, और आपका ये बेकार हो जाता है। अच्छा मैं आपको इसकी भी स्पीड टेस्ट करा के दिखा देता हूँ, हमारा जो फ़ोन है यहाँ पे अगर साथ दे तो मैं आपको यहाँ पे PTCL का मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, और अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ स्पीड टेस्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छा जो PTCL की जो बात है ना वो ये है कि इसकी जो स्पीड है ना वो
जो दिखाता है ना, अगर वो स्पीड नहीं भी आ रही हो ना, नेट चलता है, ये कन्फर्मेशन बात है। जो स्ट्रॉन्ग फाइबर में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, इशू जो है ना, मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन जो PTCL का जो नेट है ना, वो कॉन्स्टेंट है। मतलब अगर आपको 5 Mbps भी स्पीड आ रही हो ना, तो 5 Mbps की स्पीड आपको दिख रही होती है अपने फ़ोन पे ना। मतलब आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चलाएँ, कोई इशू नहीं होता। यहाँ पर आप डाउनलोडिंग मेरी देख रहे हैं कि ये 4.73 दिखा रहा है और अपलोडिंग 0.90, तो मतलब आप समझ सकते हो यार कि ये दर्द है ये। और 6 MB का पैकेज मैं करंटली PTCL का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं डाउनग्रेड कर दिया था, मैंने बोला सबसे हल्का वाला पैकेज लगाओ भाई। तो भाई जान यही इनके PTCL का हल्का वाला पैकेज था। दोबारा मैं करके दिखाऊंगा, ये पास में मैंने डिवाइस रखी हुई है, 6 MB पे आपको यहाँ पे 4.5 तक मिलता है। ये हेलो भाई, ये PTCL की डिवाइस ही बंद हो गई, टेक्निकल इशू हो गया भाई। टेक्निकल इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होता भाई जान। अच्छा, यहाँ पर हमने वापस से कनेक्ट कर लिया है, सही कर ली डिवाइस अपनी खुद से, और यहाँ पर हमने कनेक्ट कर लिया। लो ये तो मैं कहीं इधर उधर निकल गया, सॉरी, मैं गुस्से में कहीं इधर उधर निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग फाइबर की तरफ। अब हमने PTCL यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, और PTCL पे यहाँ पर हम आपको स्पीड टेस्ट दोबारा कन्फर्म करके दिखाएंगे। अच्छा, मैं आपको मसले बता रहा था, जो कि स्ट्रॉन्ग फाइबर का जो सबसे ज़्यादा मसला है ना, वो ये है कि अगर आपको 10 Mbps बिल्कुल अपलोडिंग और डाउनलोडिंग सेम आ रही हो, लेकिन जो इंटरनेट है ना यार, वो साथ नहीं देता है। मीन्स के वो सिर्फ दिखावा होता है। अगर आप रूसी ज़बान में बोलें, जो आप ब्राउजिंग करते हैं, वो यार नहीं होती बिल्कुल। PTCL वाली जो ब्राउजिंग है ना, वो नहीं हो पा रही इनसे। काफ़ी ज़्यादा ब्राउजिंग में आपको लैग देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा ना रिसर्च पॉइंट पे ये काफ़ी टाइम ले रहा होता है। और बनिस्बत PTCL जो है वो सही चल रहा होता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये स्पीड मुझे PTCL की दोबारा मुझे यहाँ पे मिल गई है, 4.91 और 0.91। तो इट्स नॉट रिकमेंड कि अगर आप PTCL इस्तेमाल कर रहे हो, उसको जल्दी से बंद कराओ भाई जान, क्या पैसे ज़ाया कर रहे हो आप। स्ट्रॉन्ग फाइबर लगवा लो या कोई और लगवा लो। अबे नेट में यार तुम छोड़ दो ना नेट। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग फाइबर कमरे में मैं आ गया हूँ, तकरीबन ये तो वही 10 फिट ऐसे 15 फिट तक का फासला है। तो ये आप देख सकते हैं कमरे में, मैं आपको स्पीड इसलिए टेस्ट करा रहा हूँ ताकि वॉल्स और बीच में जो भी चीज़ें आ रही हैं तो को आपको अंदाज़ा हो जाए कि भाई ये इसका सिग्नल जो है ना। और एक और प्रॉब्लम है भाई स्ट्रॉन्ग फाइबर की, भाई इसकी जो ठकी हुई डिवाइस है ना, ये हुआवे की डिवाइस चेंज करवाओ भाई। ये हुआवे की बिल्कुल बेकार तरीन डिवाइस है, पता नहीं किसने इनको रिकमेंड किया, सबको हुआवे की डिवाइस लगा के दे रहे हैं। यानी ये खुद भी कह रहे हैं कि हुआवे की डिवाइस ये ज़्यादा वाईफाई सपोर्ट नहीं करती है, पता नहीं कौन सी इनकी डिवाइस है। तो नेट जो है भाई जान, यही है इनका सिलसिला। ये आप देख सकते हैं, मुझे ये डिजिटल बॉक्स इस बॉक्स में आया था, जो कि इस पर कॉन्टेंट है वो कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। एक मैनुअल बुक देखने को मिल जाती है यहाँ पर, जो कि और जो में दी गई है, और ये आपको केबल देखने को मिल जाता है, बाकी बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं था। और HDMI पोर्ट और वो नेशनल टैग, ये इसके ये है इंटरनेट की डिवाइस। अच्छा, इंटरनेट की डिवाइस में यहाँ पर आपको वारंटी कार्ड देखने का मिल जाता है भाई जान। ये वारंटी कार्ड ऐसी भाई समझो पेपर वर्क ही है भाई, और ये अपना क्या नाम है, बस यही है। अच्छा, बॉक्स के अंदर देखा जाए तो बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है भाई। अच्छा, मैं यही कह रहा था कि रिकमेंडेशन जो है ना इसकी, जो हुआवे की डिवाइस अगर आप एक्सटर्नल लगा सकते हो कोई भी, इस PTCL को अगर आप यूज़ करते हो ना, इसको आप एक्सटर्नल लगाओ, इसको आप एक्सटेंड करके इसको लगाओ हुआवे की डिवाइस पे ना, स्ट्रॉन्ग फाइबर पे, वो फ़ायदा देगा आपको, वरना कोई फ़ायदा नहीं देगा। ये PTCL ये भी बेकार है, तो इसको आप हुआवे की डिवाइस को एक्सटर्नल लगा के सिग्नल बढ़ा सकते हैं वाईफाई के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ये इतने ही पास में डिवाइस है, जब भी सिग्नल इसके काफ़ी ज़्यादा टंग करती है। गेमिंग में भी लैग काफ़ी हो रहा है आजकल, जो कि मैं रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा, बस ये 1 महीना सही चली और बाकी बस इसका कमाल है, ये स्ट्रॉन्ग फाइबर की वजह से मैंने इसको ले लिया था। लेकिन भाई ये गेमिंग में भी मसले थोड़े बहुत हो रहे हैं अभी, और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना, वो मैं अगर आप रेट करूँ मैं तो तकरीबन मैं ये PTCL का भाई मैंने आपको बॉक्स लगा दिया, ये जो है ना सालों साल मेरा चलता है, ये इसकी जान मैं नहीं छोड़ूंगा। जहाँ तक मुझे स्ट्रॉन्ग फाइबर के बाद जो मुझे अभी जो महसूस हो रहा है ना, इसकी जान नहीं छोड़ने वाला। रेटिंग जो की बात की जाए तो भाई जो फाइबर ऑप्टिक्स की जो है स्ट्रॉन्ग फाइबर, इसकी जो मैं रेटिंग दूंगा वो तकरीबन 7.5 10 आउट ऑफ में से 7.5 दूंगा। PTCL की मैं दूंगा 6.5। ये जो हुआवे की डिवाइस है ये नहीं इस्तेमाल करने, स्पेसिफिकेशन बेकार है, इनकी सिग्नल भी बेकार आ रहे हैं, और आजकल बहुत कंप्लेन हो रही है भाई।
तो भाई जान यही थी वीडियो आज की, मैंने आपको फुल इन डेप्थ रिव्यू दे दिया है अपनी स्टॉर्म फाइबर डिवाइस का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया यार प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक छोड़ दो, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं इस तरीके के इंटरेस्टिंग सी वीडियो से चैनल पर लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में बहुत ज़्यादा, तब तक के लिए हाफिज़।